जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को फ्री रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया फ्री वीजा, फ्री टिकट, फ्री मेडिकल, ठीक है, और हाई सैलरी जॉब के बारे में बताऊंगा कुवैत के लिए। ऑफिस का नाम, नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एड्रेस और जो भी हायरिंग है वो, सैलरी कितने मिलेंगे, ये सभी कुछ। बहुत भाई ऐसे हैं जो कुवैत में ही काम करते हैं लेकिन अच्छे अच्छे कंपनी में भी नहीं है, यानी कि कुवैत में तो रहते हैं लेकिन कुवैत देश में भी अच्छी कंपनी में नहीं रहते। उनकी सैलरी कम है, उनकी कंपनी ठीक ठाक नहीं है, उनकी कंपनी में सही काम नहीं चलते, इन सभी दिक्कतों से वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो कुवैत की कंपनी है KPC EPC, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अगर मैं गलत बोलूँ तो यहाँ पे लिखा है, ये पढ़िए, ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें पढ़ने में गलत हो सकते हैं लेकिन आपको पढ़ने में तो गलत नहीं हो सकते, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें है ये, मैं इसलिए बताया कि हमारे पढ़ने में हो सकता है मैं किसी और चीज को पढ़ूं और कोई और चीज बोलूं, अगर हो सकता है तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस, हायरिंग, क्या सैलरी है, सब कुछ जो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा वही चीज आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे फ्री रिक्वायरमेंट लिखे हैं। फ्री रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि आपको कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। आप सभी भाइयों में से ऐसे 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 जो मेरे भाई हैं जो कि 40 साल तक हो गए हैं काम करते हुए, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 40 ईयर्स हो गए हैं काम करते करते, आपके घर में बहुत सारे काम होंगे वो निपटा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी आपके पास 1 लाख रुपए नहीं होते हैं कि आप किसी गल्फ में भी जा सकें, ठीक है, क्योंकि मैं उसी लाइन से हूँ, उसी तरीके से काफी भाई आते हैं और काम कराते हैं, यहाँ तक कि वही लोग 6 लाख लगा करके यूरोप भी जाते हैं और भर करके गए, काफी लोग गए हैं, 6 लाख का 6 लाख भी कर्जा लेकर के जाने वाले लोग हैं, इतना हिम्मत है उन लोगों के पास, लेकिन उन लोगों के पास पैसे नहीं है, हो सकता है बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत एजेड आदमी है, उनके भी पास पैसे नहीं है, और दूसरी चीज है पैसे हैं तो भी वो डरते हैं कहीं मेरा पैसा फंस ना जाए, अच्छे ऑफर लेटर आने के बाद भी उनको नहीं पता होते हैं ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो ये फ्री रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट आपको जमा करने होंगे, ठीक है, और ये अच्छी ऑफिस है, इंटरनेशनल ट्रेड लिंक अच्छी ऑफिस है, जैसे एशिया पावर है, अंबर कंसल्टेंसी है, उसी प्रकार से ये भी है, तो इस पे आप लोग भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। और मैं किसी अगर ऑफिस को बताऊंगा तो वो ऑफिस जेन्युइन होगा तभी बताऊंगा। ये लगभग लगभग यहाँ पे लिखा है 45 नहीं मान के चलिए 40 साल से काम करती हैं, और इस ऑफिस को बहुत भाई जानते होंगे। अगर जिनको लगता है कि ये ऑफिस सही नहीं है तो मत जाइएगा, ठीक है, लेकिन जो जानते हैं, जिनको विश्वास है, वो जाइएगा, काम कराइएगा। फ्री हायरिंग है इंटरनेशनल ट्रेड लिंक में, मुंबई में आपको रहना है, मुंबई में आपको जाना है शॉर्टलिस्टिंग कराने, या नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए या मेल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या पोजीशन है, ठीक है। इसमें हाई पोजीशन वाले लोग हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल इसमें नहीं है, मैं जब तक हाँ सिविल कंस्ट्रक्शन से लोग हैं लेकिन हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं, ठीक है, जैसे सेटरिंग कारपेंटर, स्टील फिटर, वैसे डिमांड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो डिमांड है वो आप लोग देख रहे हैं, 1000 से लेकर 1200 KD, आप लोग गूगल में सर्च करिएगा कि 1000 KD का कितना पैसे होते हैं इंडिया का, आप लोग यूरोप जाना भूल जाएंगे, ठीक है, तो ये चीज गूगल में सर्च कर लीजिएगा, लेकिन सबके लिए नहीं है, जिनके लिए है उनका यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, और जिनके लिए है वही लोग जा सकते हैं, और उसमें भी जो भी कंडीशन लिखा हुआ है वो सब कुछ रहना चाहिए आप में, तभी जा सकते हैं। तो कुवैत के लिए हायरिंग है, सभी ट्रेड का नाम बताएंगे, सैलरी बताएंगे, ऑफिस का एड्रेस बताएंगे और ऑफिस का कॉन्टेक्ट बताएंगे, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे भी, ठीक है। आप लोग को वीडियो यूज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के खूब अच्छा से
कांटेक्ट करके, बात करके या व्हाट्सएप करके, जिस माध्यम से भी हो, मेल, कांटेक्ट नंबर, कॉल आप लोग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये ऑफिस ना ही मेरा है और ना ही ऑफिस में हम काम करते हैं, तो जो भी करें आप लोग खुद से करें, बाकी आप ही सही है, बाकी इसमें हमारा कोई तात्पर्य नहीं है, मैं आप लोग के हेल्प के माध्यम से बना रहा हूँ। पोजीशंस हैं सबस्टेशन कंस्ट्रक्शन मैनेजर, जिनका सैलरी रहेगा 1000 से 1200 के लिए मंथली का, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ सेफ्टी मैनेजर के लिए, इनका भी सेम सैलरी है, सैलरी देखिए यहाँ पे कितना है। ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए पोस्ट है, ठीक है। जो पोस्ट है जिस अगर आपके ट्रेड से मैच करते होंगे तब आप जाइएगा ऑफिस में। प्रोडक्टिविटी मैनेजर हैं, ASR कोस्ट कंट्रोल मैनेज इंजीनियर हैं, इनका भी सैलरी एक आदमी का 800 है, एक आदमी का 600 है, 600-750 करके हैं लगभग में, इसके बीच में लगेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूँ वो छोड़िए, कम से कम यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक ना। इस्टीमेट इंजीनियर हैं, इनका 500 से लेकर के 650 तक एक्सपीरियंस के हिसाब से रेट लगेंगे। प्लानिंग इंजीनियर हैं, क्वालिटी सुपरवाइजर हैं इंजीनियर, उसके बाद सिविल साइड इंजीनियर हैं। सिविल साइड इंजीनियर का मतलब हो गया कि मान के चलिए कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं चल रहे हैं, बिल्डिंग कहीं बन रहे हैं, वहां पे आपको काम करने हैं, ऑफिस में काम आपको नहीं करने हैं, आपको काम कहाँ करने हैं, साइड पे, धूप में, हवा में, यानी कि बाहर, ऑफिस के अंदर नहीं। ऑफिस में कब काम करेंगे, जब आप उस लाइक या उस चीज के एक्सपीरियंस के जैसे हो जाएंगे, यानी कि ऑफिस के एक्सपीरियंस के लाइक हो जाएंगे तब, पहले आप जाएंगे तो साइड पे काम करेंगे। बहुत बहुत भाई बोलते हैं कि मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं साइड पे घाम में क्यों काम करूंगा, तो इंजीनियर होने के बाद भी आपको कम से कम एक्सपीरियंस के लिए घाम में खड़ा होना पड़ेगा और ये काम करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से इलेक्ट्रीशियन साइड मैनेजर हैं, इलेक्ट्रीशियन जो है मैनेजर कोई है तो साइट के काम करेंगे, साइट का जो भी वहाँ का काम है, काम का मतलब कि क्या सामान लगेंगे, क्या कैसे काम होगा, ड्राइंग, वो सब देखेंगे। सब टाइटन इलेक्ट्रीशियन डिजाइनिंग इंजीनियर हैं, ठीक है, तो वो डिजाइन पास करेंगे। आर्किटेक्ट मतलब इलेक्ट्रीशियन का इंजीनियर है, डिजाइन बनाएंगे कि कैसे क्या करें, कैसे क्या होगा। रिगर में है, रिगर में कोई सैलरी नहीं दिखाया गया है, बाकी सैलरी यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं, जो भी मैंने छोड़ा है 500-600 इस प्रकार से सैलरी है सबका है। सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी के लिए भी हायरिंग है, रिक्वायरमेंट है, तो 250 करके 350 मिले गए। डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर हैं, ये सभी ट्रेड हैं। यहाँ पे क्वेट सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, क्वेट की जो सोसाइटी है सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इसमें लिखा हुआ है। ऑल पोजीशन शॉर्ट हाईवे इंजीनियर डिग्री डिप्लोमा विथ मिनिमम 8 to 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ECP कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ECP कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अगर आपने 8 से 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तब इसमें पोस्ट, इस पोस्ट में आपको अप्लाई हो सकता है, ठीक है। पहले आप लोग अप्लाई देखिए, समझिए और अपने डॉक्यूमेंट को मैच कीजिए, अपने आप को मैच कीजिए, मैच का मतलब कि मिलाइए, ठीक है। भोजपुर में बोला जाता है कि मिलावा, ठीक ना, तो पहले अपना डॉक्यूमेंट को मिलाइए, उसके बाद से इसमें जो ट्रेड लिखा हुआ है, ट्रेड तो मैंने बता दिया। इंटरेस्ट अप्लीकेशन विल बी शेयर एंड CV अपलोड, पासपोर्ट कॉपी, एक्सपीरियंस, एडुकेशन सर्टिफिकेट ऑन द कीफ ईमेल्स। ईमेल्स का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारी ईमेल्स आपको नीचे नजर आ रहे होंगे, ठीक है, मुंबई का, चेन्नई का, कोची का, तिरची का। यहाँ पे जो चेन्नई में जो ऑफिस है इंटरनेशनल ट्रेड लिंक का, उसमें मैंने विजिट किया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि मैं चेन्नई से ही अप्लाई करूँ, तो आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, मेरा इस पे कोई तात्पर्य नहीं है, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप सभी इस ट्रेड से संबंधित हो तो अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसमें विजिट करके देखा हूँ, हालांकि हमारा भी काम यही रहते हैं, तो कभी कभी मीटिंग्स रहते हैं किसी और ऑफिस में, तो हम जाते हैं मिलते हैं, अच्छा ऑफिस है, HR कंसल्टेंसी है इंटरलिंक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर है, मेल है और बाकी सभी चीजें हैं।
अब हमें नहीं लगता कि इसके आगे और हमें कुछ समझाने की जरूरत आपको पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को हम ये एंड करेंगे। बाकी मैंने सभी चीज़ें आपको बता दिए हैं, जॉब कोड, वी हायर हायरिंग, और यहाँ पे पोस्टर भी देख सकते हैं ट्रांसफर सफिशेंट प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट आपको काम मिलेंगे, तो ये सभी चीज़ें हैं। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लायक हैं, लायक नहीं, इस जॉब से मिलता जुलता आपका डॉक्यूमेंट मैच करता है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हमें इजाज़त दीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, सबको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।